में से बहुत सारे लोग कोई भी इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम ही है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी का एक खास जगह होता है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सेफ्टी कल्चर होने के लिए उसका एम्प्लॉयज को सेफ्टी के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन इस जानकारी पाने के लिए आपको सेफ्टी प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस इन्फोग्राफिक रिपोर्ट को पाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी देना ना भूलें। आइए साथ मिलके हम लोग सेफ्टी को अपना जीवन के साथ जोड़ें। सेफ्टी नहीं तो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल द सेफ्टी कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है HSE एनुअल रिपोर्ट्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या कंक्लूसिव पॉइंट्स होते हैं विथ एविडेंस होते हैं जो हम लोग को मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है, वेरियस पैरामीटर्स को दिखाना होता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अटेंड किया गया, कौन कौन सा लैगिंग पैरामीटर्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर सकते हैं, और इससे हम लोग बजटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए जो कि सेफ्टी फील्ड में है, सेफ्टी इंजीनियर्स के लिए, सेफ्टी मैनेजर्स के लिए, और या तो कोई भी सुपरवाइजर लेवल या फोरमैन लेवल पे जो ये जानना चाहता है कि सेफ्टी ओरिएंटेड कंक्लूसिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं जो कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग हाईलाइट करते हैं मैनेजमेंट के पास। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी को माना जाता है रिपोर्ट का हार्ट। इसमें हम लोग कंक्लूशन एक ड्रॉ करते हैं कि पूरा रिपोर्ट का एक समरी क्या होगा जो कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ के पूरा रिपोर्ट को जज कर ले सकता है। ऐसा एक वन पेजर डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें हम लोग टिपिकली पॉइंट्स डिसाइड करेंगे कि टॉप प्रायोरिटाइज्ड हैजर्ड्स रिस्क क्या हुए हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको हम लोग मिटिगेशन प्लान क्या क्या लिए हैं, उसका रिकमेंडेशंस क्या है और मैनेजमेंट इसके बेनिफिट्स क्या क्या पा सकते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव समरी में रहेगा और ब्रीच ऑफ लॉ को भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है की अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स। की अचीवमेंट्स जैसे कि हो गया हम लोग ट्रेनिंग आवर्स अचीव किए हैं, 1000 ट्रेनिंग आवर्स, 2000 ट्रेनिंग आवर्स अचीव किए, सेफ मैन आवर्स वर्किंग अचीव किए। ये जो बड़ा अचीवमेंट्स होता है ये जनरली हम लोग माइलस्टोन्स के अंदर डालते हैं, और इनिशिएटिव्स लेवल पे जो अचीवमेंट्स नॉर्मल अचीवमेंट्स होता है वो बिहेवियर लेवल पे हो सकता है, आउटकम ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स जो होते हैं वहां पे अचीवमेंट होता है। कोई अवार्ड मिला, एक्सटर्नल अवार्ड मिला, कोई बेस्ट एम्प्लॉय चुना गया सेफ्टी डिपार्टमेंट से, तो ऐसे करके अचीवमेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स में डिफरेंस क्या है, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो अचीवमेंट्स में आएगा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो माइलस्टोन्स में आएगा, इट्स सिमिलर। नेक्स्ट जो है वो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, की इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। की इनिशिएटिव में क्या होगा, जो हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रेनिंग हो सकता है, एम्प्लॉय अपलिफ्टमेंट हो सकता है सेफ्टी में सर्टिफिकेशंस के थ्रू, कोई न्यू टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हैं जैसे फर्स्ट एड ट्रेनिंग, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉक ड्रिल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो की इनिशिएटिव्स बहुत कुछ हो सकते हैं इनिशिएटिव्स, तो उसमें से हम लोग को हाईलाइट करना होता है वो सारे इनिशिएटिव्स जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होता है, क्योंकि हम लोग का ईयर स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि ये साल में हम लोग ये ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो आउटकम आया है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स को वो हम लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो इच इज ऑब्जेक्टिव स्टेटस। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ईयर प्री डिटरमाइन करते हैं ईयर के स्टार्टिंग पे कि ये ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, तो स्टेटस हम लोग को सबमिट करना होता है कि क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिए थे और क्या क्या उसका स्टेटस है,
इसमें हम लोग मेंशन करना होता है कि जो सक्सेसफुली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड किए हैं वो उसको भी, और जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को भी इसमें मेंशन किया जाता है, और इसका कारण भी देना होता है कि क्या क्या कारणों से हम लोग ये ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड नहीं कर पाए हैं और क्या क्या हम लोग को पैरामीटर्स या रिसोर्सेस चाहिए जिससे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है KPI समरी एंड लीडिंग इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे जिससे डिसाइड होगा कि क्या क्या KPI हम लोग का है। और यहाँ पे जैसे KPI क्या क्या हम लोग का होता है, KPI हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव जो फैक्टर्स होते हैं सेफ्टी कल्चर को डिफाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तो जैसे कि हो गया नंबर ऑफ मॉक ड्रिल्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, नंबर ऑफ सेफ्टी इंडक्शंस, नंबर ऑफ HSE मीटिंग्स, नंबर ऑफ गुड रिपोर्टिंग डन, नंबर ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। तो ये पॉजिटिव एक सेफ्टी कल्चर को अपलिफ्ट करने वाला जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स हम लोग लीडिंग इंडिकेटर्स में रखते हैं और ये KPI समरी में हम लोग को डालना होता है हाईलाइट करने के लिए मैनेजमेंट के पास। नेक्स्ट जो हम लोग हाईलाइट करते हैं वो होता है टॉप 5 रिस्क ऑफ द ईयर। ये क्यों बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए कि हम लोग को मैनेजमेंट के पास शो करना होता है कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, थ्रू वेरियस रिपोर्टिंग ऑफ अनसेफ कंडीशंस एंड अनसेफ एक्ट्स, कि ये टॉप 5 रिस्क इस ईयर के हैं, ताकि ये रिस्क बाद में एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये एज ए पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स हम लोग इसको अप्रोच रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते हैं कि टॉप 5 रिस्क कौन कौन से हैं और उसके मिटिगेशन प्लान्स क्या क्या है विथ एक टाइम फ्रेम के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग स्टेटस। तो ट्रेनिंग स्टेटस में हम लोग क्या हाईलाइट करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग का एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता है जिसको हम लोग TNA बोलते हैं। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट से बनता है ट्रेनिंग कैलेंडर। ट्रेनिंग कैलेंडर से आता है कि क्या क्या हम लोग इफेक्टिवली ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है इसमें हम लोग कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, एक नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, एक प्रायोरिटी ट्रेनिंग होता है। जो नॉर्मल ट्रेनिंग होता है वो अक्रॉस समर विंटर एंड रेनी सीजन्स हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज जो ट्रेनिंग होता है उसको हम लोग हीरा से ड्रॉ करते हैं। ये हीरा जो होता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, वो डॉक्यूमेंट से हम लोग हाई रिस्क रेटिंग वाला जो रिस्क होते हैं तो उसको हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेनिंग करवाए, अवेयर करवाए। ट्रेनिंग स्टेटस जो है इस पे हम लोग हाईलाइट करते हैं कौन कौन से टॉपिक है, कितना उस पे टाइम हम लोग कितना आवर्स का ट्रेनिंग दिए हैं और कितना इंडिविजुअल्स को हम लोग इन्वॉल्व किए विथ सिग्नेचर शीट, अगर हो सकता है तो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट हम लोग के पास होना चाहिए रिकॉर्ड बुक्स में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में हम लोग उसी चीज को हाईलाइट करेंगे कौन कौन सा टॉपिक है, सेगमेंटेड वाइज कितना आवर्स का ट्रेनिंग हुआ है और कितना पर्सन को हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है OHS डैशबोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ये एक वन पेजर इंफोग्राफिक प्रेजेंटेड वे में हम लोग मैनेजमेंट को बताते हैं कि टोटल लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर्स क्या हुआ है एक साल में एक ही शीट में। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, सेफ्टी इंडक्शन रहता है लीडिंग इंडिकेटर्स में, TBT कंडक्टेड रहता है, इंस्पेक्शन कंडक्टेड रहता है, ऑडिट्स कंडक्टेड रहता है, OHS मीटिंग्स कितना हुआ है वो रहता है, मॉक ड्रिल्स कितना कंडक्टेड हुआ है और ट्रेनिंग्स कितने कंडक्टेड हुए हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर्स में रहता है। लैगिंग इंडिकेटर्स में क्या क्या रहेगा, फैटलिटीज कितना हुआ है, LTI कितना हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज कितना हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंजरस ऑकरेंसेस या लॉस्ट मैन आर्स या लॉस्ट मैन डेज कितना हुआ है। तो ये एक इंफोग्राफिक वे में हम लोग डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। तो इसमें हम लोग, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हर कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है इंटरनल ऑडिट का, एक्सटर्नल ऑडिट का। तो इंटरनल ऑडिट पे हम लोग थ्रू आउट एक टीम बनाते हैं पहले, जिसमें सेफ्टी का बंदा भी रहता है, अदर एक्सपर्टाइज जो प्रोसेस सेफ्टी प्रोसेस ओरिएंटेड एक्सपर्ट्स हैं वो भी रहते हैं,
तो एक टीम बना के हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इंटरनली हम लोग एसेस करते हैं कि जो हम लोग का सेफ वर्क प्रोसेस या सेफ वर्क प्रोसीजर हम लोग डिफाइन किए हैं इन अ कंपनी, अप्रूव किए मैनेजमेंट से, तो उसी के हिसाब से काम हो रहा है या उसमें कुछ डिविएशन है, इसी को हम लोग इंटरनल ऑडिट्स बोलते बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंटरनल ऑडिट्स का जो पॉइंट्स है वो भी हम लोग हाईलाइट करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट्स जो कि थर्ड पार्टी से हम लोग को करवाना होता ही है, इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑल्सो, तो ये दोनों चीज हम लोग हाईलाइट करेंगे। और अगर ये देखा जाता है कि इंटरनल ऑडिट में जो पॉइंट्स आए वही एक्सटर्नल ऑडिट्स में आए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से ऑडिट करते हैं इंटरनली भी, और ये काफी हेल्दी सिंबल है, सिग्नल है कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है और लास्ट में हम लोग ये टॉपिक को देते हैं जनरली, वो होता है रोड मैप फॉर नेक्स्ट ईयर। जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि प्री ईयर में ही हम लोग इसको एसेस कर लेते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट ईयर में क्या करना होता है, तो ये जो ईयर एंडिंग में रिपोर्ट सबमिट होता है, ये HSE एनुअल रिपोर्ट, इसी में हम लोग रोड मैप को फिक्स करते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हम लोग प्लानिंग किए हैं उसके ऊपर एक बजटिंग का सिस्टम भी होता है कंपनी का, तो हम लोग जब तक डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक कन्विंस नहीं करेंगे मैनेजमेंट को, तब तक बजट के लिए भी हम लोग को टाइम लग जाता है। तो इसमें हम लोग एनलिस्ट करेंगे HSE अवेयरनेस प्रोग्राम्स, क्या क्या हम लोग प्लान किए, वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या हम लोग प्लान किए, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स। तो ये चीजें हम लोग रोड टू नेक्स्ट ईयर पे हम लोग डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस इंफोग्राफिक रिपोर्ट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।